पीएफआई साजिश मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी में 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को तमिलनाडु में 6 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन ताजा गिरफ्तारियों से तमिलनाडु पीएफआई आपराधिक साजिश मामले में अब तक कुल 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने चेन्नई, थेनी, डिंडीगुल, मदुरै और जिलों में 6 स्थानों पर छापेमारी की। जिन स्थानों की तलाशी ली गई उनमें अभियुक्तों की संपत्तियां शामिल थी, जिनमें ज्यादातर घर और फार्म हाउस थे। तलाशी के दौरान धारदार हथियारों, डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई, जिससे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों की पहचान अब्दुल रजाक उम्र 47 निवासी चेन्नई, एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ उम्र 45 साल निवासी मदुरई, मोहम्मद अब्बास उम्र 45 निवासी मदुरई, काइजर ए आयु 45 वर्ष निवासी डिंडीगुल और साथिक अली उम्र 29 निवासी थेना जिला के रूप में हुई है। बता दें कि एनआईए ने 19 सितंबर 2022 को पीएफआई की गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ा मामला दर्ज किया था। इस मामले में एजेंसी ने 17 मार्च 2023 को 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि ये मामला साजिश और गैर कानूनी गतिविधियों जैसे धर्म के आधार पर विभिन्न समूह के बीच वैमनस्य पैदा करना और सार्वजनिक सौहार्द और शांति को बाधित करने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव के वास्ते हानिकारक गतिविधियों को अंजाम देना और भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि संगठन पर सदस्यों के लिए घातक हथियारों के साथ प्रशिक्षण आयोजित करने और जिला और राज्य स्तर पर पीएफआई के नेताओं द्वारा चुने गए लक्ष्यों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में आगे जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनजी मीडिया न्यूज़।